हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी अ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. तो अब इसमें बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग बॉन्ड्स एज आयनिक, पोलार कोवेलेंट और कोवेलेंट. तो ये तीनों में से कौन सा बॉन्ड है वो हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, मतलब यहाँ पे चार केसेस दिए हैं, सबका अलग अलग हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेट्स सी SI-SI बॉन्ड इन Cl3-SI-SI-Cl3. तो अगर मैं इसको बनाऊं, अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, SI-SI और Cl3-Cl3-Cl3 और यहाँ पे भी Cl3-Cl3-Cl3. ठीक है, तो इस टाइप से ये कंपाउंड बनेगा. नाउ अब इसमें हमें SI-SI का बॉन्ड फाइंड करना है, कौन सा बॉन्ड है. तो अगर मैं SI-SI को देखूं, तो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों का जो पोलैरिटी है कोई भी नहीं है, बिकॉज नॉन पोलर है. बिकॉज कोई भी जितना भी ये यहाँ से इसको अपनी तरफ खींच रहा है क्लोरीन, उतना ही ये वाला, ये तीन क्लोरीन इसको यहाँ से खींच रहे हैं. तो टोटल पोलैरिटी ऑन दिस कंपाउंड इज ज़ीरो. ठीक है, तो अगर टोटल पोलैरिटी ज़ीरो है तो ये पोलार तो नहीं है. और SI-SI का बॉन्ड क्या है, हमारा कोवेलेंट है. ठीक है, तो दिस विल बी कोवेलेंट बॉन्ड. तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा, कोवेलेंट ड्यू टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिकिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों ए क्लोरीन और इस टाइप के क्लोरीन को, तो देर मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, पोलैरिटी नहीं रहेगी. नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन देख, सेकेंड जो बी ऑप्शन देते हैं वो क्या होता है, देखो SiCl बॉन्ड इन Cl3-SiSiCl3. तो सेम चीज़ है, बट हमें क्या करना है कि SiSi की जगह पे SiCl का बॉन्ड का देखना हमें. तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये पोलार, ये पोलार होगा, बिकॉज क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Si से बड़ा है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो एक पोलैरिटी तो बन गई. ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है. तो आई कैन से दैट कि क्लोरीन, तो दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट ऑल्सो एंड पोलार ऑल्सो. तो दिस विल बी पोलार कोवेलेंट. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आ गया कि दिस विल बी पोलार कोवेलेंट. ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड केस CaF बॉन्ड इन CaF2. तो अगर मैं CaF बॉन्ड देखूँ इन CaF2, तो ये जो है Ca, मतलब कैल्शियम का जो है वो कैल्शियम का एटम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. तो ये चाहेगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने आप रख, अपने पास रख ले और फ्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन्स दे दे. ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है. ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है. तो अगर मैं इसका कॉन्फिग्रेशन लिखूँ तो ये होगा आर्गन, मतलब आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए. आर्गन का कॉन्फिग्रेशन 18 ऐसा होता है, तो ये डायरेक्टली हम आर्गन खाली लिख दिए. ठीक है, तो और 4s2, तो वी कैन सी दैट आर्गन का, अगर इसमें से मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूँ कैल्शियम में से, तो वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बराबर हो जाएगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. देयरफॉर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन को दे देता है. ठीक है, ताकि ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गेन करे. ठीक है, तो इसके लिए ये Ca2+ बन जाता है और 2F- होता है. तो जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड. तो द थर्ड ऑप्शन विल बी आयनिक, सिंस Ca completes its octet by transfer of two outer shell electrons, thus completing their octet. ठीक है, अब फोर्थ केस देखिए क्या होता है, NH bond in NH3. तो अब NH bond in NH3 क्या होगा, NH bond in NH3, तो ये भी covalent bond है, but nitrogen का जो electronegativity है वो बहुत ज़्यादा है hydrogen से, तो हम कह देंगे polar covalent. ठीक है, तो द एक्सप्लेनेशन इज सेम एज बी. तो दिस विल बी आर फोर डिफरेंट केसेस. ओके, थैंक यू.